दोस्तों आज के इस वीडियो को आपको पूरी देखनी है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है आपके फ़ोन का जो नेटवर्क प्रॉब्लम है, अगर आपको वो नेटवर्क कभी गायब हो जाता है, कभी सिम फेल आ जाता है, कभी नो सर्विस, ये सारी प्रॉब्लम होती रहती है और आपका नेटवर्क अगर आपको नहीं दिखता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके फ़ोन में नेटवर्क जो है आज के बाद 100% रहेगा। फ़ोन में कुछ गड़बड़ियाँ होती है जिससे आप समझ नहीं पाते हैं और उस कारण से आपके फ़ोन का जो पूरा प्रॉब्लम है वो रहता ही है, तो हम आपको बताएंगे कैसे इन्हें ठीक करेंगे। YouTube पे तो आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे लेकिन कोई प्रॉपरली आपको ना कीपैड वाले फ़ोन पे बना करके नहीं दिखाता है, कोई आपको सही से नहीं बताता है, तो हमने सोचा हमें एक बनाना पड़ेगा क्योंकि ये प्रॉब्लम अक्सर लोग जो है ना फेस करते हैं, उन्हें सामना करना पड़ता है। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि आपके पास चाहे सैमसंग का जो भी मॉडल है ना, सभी का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरी देखते रहिएगा। लेकिन वीडियो जो आप देख रहे हैं ना, इस वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, लाइक कर देने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी बटन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, वीडियो शेयर कर देंगे ना तो और लोग जानेंगे, व्हाट्सएप में ग्रुप में सभी जगह शेयर कर दें इस वीडियो को। कमेंट में आपको लिख देना है अपने फ़ोन का नाम लिख दीजिए, सैमसंग का कौन सा मॉडल है, सिंपल फ़ोन है या कीपैड फ़ोन है, कौन सा है, B11 है, B310 है या B311E है, जो मॉडल है वो आप कमेंट कर दें तो हम आपके फ़ोन के ऊपर और भी वीडियो बनाएंगे। खैर देखिए, मैं तो सॉफ्टवेयर चढ़ाने की वीडियो भी बनाता हूँ कि कैसे जो अपने किसी भी इस फ़ोन में अगर लॉक लग गया, सिम लॉक लग गया या कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो उन लॉक को हम कैसे ख़त्म करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको सॉल्यूशन बताते हैं। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं ना कि सिंपल फ़ोन में सॉफ्टवेयर कैसे चढ़ाएं, तो उसके लिए आपको एक चाहिए होगा कंप्यूटर, लैपटॉप, कुछ भी चाहिए, ठीक है, तो वो वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल ये वीडियो जो है हम बिना कंप्यूटर के इन्हें हम सब कुछ आपको ठीक करके बताएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए हमारे फोन में ये नेटवर्क वाला इशू है, तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करने के लिए ना आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना है। वीडियो अगर आप HD में नहीं देख रहे हैं तो HD कर लीजिए ताकि आपको पता चले मैं क्या क्या कर रहा हूं। अब ये देखिए सेटिंग में पहले जाइए, सेटिंग में गया मैं, सेटिंग में जाने के बाद आपको यहीं पे आप ऊपर ऐसे ऐसे जाएंगे ना, तो ये देखिए सिम कार्ड, प्रोफाइल, डिस्प्ले, फ़ोन, एप्लीकेशन, सिक्योरिटी, नीचे आइए और यहाँ पर देखिए काफ़ी सिंपल तरीका आपको मिलेगा, एक रीसेट बटन, ये देखिए रीसेट पे आपने क्लिक किया, मास्टर रीसेट आएगा, मास्टर रीसेट आपको कर देना है, ये क्लिक करिए, दिस विल बी इरेज ऑल पर्सनल डेटा कंटिन्यू। ध्यान रहे कि आपके फ़ोन का कॉन्टैक्ट जो है वो बैकअप रहे क्योंकि फ़ोन के कॉन्टैक्ट जो है वो डिलीट होने वाले हैं, तो अपना बैकअप कर लीजिएगा, ठीक है। सिम वाला डिलीट नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए, तो सिम अगर डर है तो निकाल दीजिए सिम को, नहीं तो सिम रहने दीजिए क्योंकि अभी यहाँ मास्टर रीसेट करने के बाद ना सिम में कुछ डिलीट नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए हम इसे यस करेंगे, हम डिलीट करने के लिए तैयार हैं, मास्टर रीसेट मारने के लिए हम तैयार हैं। बस कुछ सेकेंड यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा रीसेट लेगा, आपका फ़ोन जो है पूरा स्विच ऑन होगा, चालू होगा और रीसेट कंप्लीट, फ़ोन विल बी रीस्टार्ट, तो फ़ोन को रीस्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये काफ़ी ज़्यादा आसान तरीका है, मैं जानता हूँ सभी लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है। ये देखिए B310E है इसका मॉडल, सैमसंग का मॉडल, ये चालू हो गया। और भी आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो इसके बारे में हमें बताइए कमेंट में, ताकि मैं आपको इसके बारे में और भी वीडियो बना करके दूं आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपको नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व कर देना है। यहाँ पे नो करते हैं और हाँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यार मेरा नेटवर्क नहीं आया क्योंकि यहाँ पे मैंने दोस्तों सिम अभी निकाल करके ना मैंने इसमें देखा था कि कहीं सिम में तो प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे पास नोकिया वगैरह सब चीज़ है, मैंने एक्सपेरिमेंट करके सब वीडियो बनाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सिम में कोई गड़बड़ी नहीं है, इसको चेक करने के लिए मैंने इसमें लगा दिया था। तो अब देखिए यहाँ पे मतलब इस फोन में नेटवर्क आ रहा है, तो अब मैं ये सिम अगर इसमें खोल के लगाऊंगा ना तो सब कुछ वर्क अच्छे से करता है। बस यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट सिम, ये देखिए इंसर्ट सिम। तो इस तरह से आप जो है अपने फोन का नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये तो पहला मास्टर ट्रिक हो गया, इससे तो हो ही जाएगा, लेकिन चलिए मान लेते हैं आपसे इससे नहीं हुआ, तब क्या करेंगे,
आपको दूसरा ट्रिक मैं बताता हूँ, लैपटॉप से आपको सॉफ्टवेयर चढ़ाना पड़ेगा, उसका मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसी से हो जाएगा, ठीक है, आपको दूसरा ट्रिक वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। और या तो हो सकता है सिम आपका 4 साल 3 साल पुराना होगा, तो सिम जो है घिस गया होगा, उससे भी हो सकता है आपका प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप उस हिसाब से देख लीजिए, आप जो है दूसरा सिम बदल करके इसमें लगा के देखिए, जो सिम है उसको खोल के दूसरे फोन में लगाइए, उसमें आता है कि नहीं, और फिर दूसरे फोन का सिम आपको इसमें लगाना है, इससे भी आपका पता चल जाएगा। इस तरह से आप अपने फोन का नेटवर्क प्रॉब्लम या सिम में नेटवर्क नहीं आना, वो सारी प्रॉब्लम आप ठीक कर सकते हैं अपने सिंपल फोन का। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए पहले तो, ठीक है, नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन देखिए इसको बोलते हैं, यहाँ पे क्लिक करिएगा ना, लिखा हुआ जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा। तो चलिए हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।